जी जी ब्रांड भाई जी, नेट का मसला हो गया था, पीटीसीएल वाले जालिम है बड़े। नहीं, कोई जालिम नहीं है। आप अगर वो नहीं होते तो आपको अभी इंटरनेट नहीं मिल रहा होता। जी पर सेट नहीं कर रहे, मैंने 15 बार कंप्लेंट किया कि मेरी मेरे स्ट्रीट की नेट बहुत खराब है, लिमिटेड बार बार हो जाती है, पर कुछ कर ही नहीं रहे। वो क्यों कुछ करेंगे, आप कंपटीशन क्रिएट करें ना। मैं बहुत कराऊं पर लड़ क्या करें। चलिए, अब आप वादा अपना, आप मैंने आपसे कहा ना, आप अपने काम पे फोकस करें। जब आपकी 1 लाख रुपए महीना आमदनी हो जाएगी, फिर उसके बाद 10 लाख रुपए महीने की आमदनी पे फोकस करें, फिर 1 करोड़ रुपए महीने की फोकस करें। जब आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए होंगे ना, तो पीटीसीएल वाला आपके घर पे आके ठीक करके जाएगा। जी दूसरा जी ये होगा कि आप अपने इलाके के अंदर छोटी सी मोबाइल ऑपरेटर की सर्विस खोल सकेंगे, फाइबर ऑप्टिक खरीद सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें कर सकेंगे। तो पैसा जो है ना, इनेबलर होता है बहुत सारी चीज़ों का, और उसको जी जी फोकस करें। पैसा कमाना मकसद नहीं होता। आप जुकरबर्ग को देखते हैं, 10 साल हो गए मुझे उसको देखते हुए, एक ही टी शर्ट पहना होता है कमबख्त मारा, हर रोज एक ही जी कपड़े पहना मैं होता और है। एक पोस्ट भी की थी कि इनसे मैं कौन सी टी शर्ट पहनूं, सारी सेम थी। हाँ, तो जो सिंप्लिसिटी होती है ना, वो रखो। लेकिन वो पैसा अपने लिए नहीं बना रहा, आप भी पैसा दूसरा अपने लिए नहीं बनाओ। आप इस नियत से बनाओ कि जी देखो, मैंने अपने इलाके के हालात चेंज करने, और आप कर रहे हो। लेकिन इस वक्त फोकस, जब तक जैसे आप मैट्रिक कर रहे हो ना, अगर आप मैट्रिक नहीं करोगे और उस पर से फोकस हटा दोगे, तो क्या होगा कि आप इंटर नहीं कर सकोगे, आप मास्टर्स जी नहीं कर जी सकोगे। तो इसलिए फोकस करके चलना पड़ता है। जब तक आप 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाओ, मेरा मशवरा ये है कि आप 25 काम ना करो। जी जी आपके साथ इतने सारे लोग जुड़ गए ना, जब भी जहन में कोई आइडिया आए ना, एक वीडियो बनाओ, लगा दो, दोस्तों ये मेरे जहन में आइडिया आया है, आप में से जो करना चाहे ये कर ले, दोस्तों मेरे जहन में ये आइडिया आया, दिमाग में से आइडिया को निकाल के कूड़े के डब्बे दूसरों को में शेयर कर। दूसरों को दे दो, जाके तुम्हारा काम खत्म हो जाए, अब दूसरे लोग वो काम करने लगे। अगर सारे आइडिया खुद करने लगोगे तो कुछ भी नहीं होगा ना। जी, तो टीम पर को मैंने बनाओ। टीम अब तुम्हारा शहर पर दादू जो है, वो एकदम से पिछले 6 महीने में कम से कम मेरे तो रेडार में बहुत हाईलाइट हो गया ना। सारे दादू वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं, इतने सारे लोग आ गए दादू के, दादू ही नहीं पता था मुझे कहाँ है। जी मैंने स्कूल में जब जाए स्कूल में पढ़ता हूँ उसमें मैंने अनाउंसमेंट की थी, और इंटेलिजेंसिया स्कूल है एक सिंध कैंपस मोरो में, उसमें भी मैंने की थी कि ये सपोर्टर्स है मेरे, और तकरीबन सबके नाम थे, आपका नाम था सैयद अरसलान का नाम था, और जो जो मुझे सपोर्ट करते हैं जैसे खुरम भाई, सबके नाम दिए थे। तो उन्होंने पूछा कि रियान अल्लाह वाला कैसे, तो मैंने उनको कहा आपका वीमो का लिंक दिया था कि ये देखे क्या है। फिर तकरीबन 20 दिन लोग हैं जो कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं कि फ्रेंड्स बनाए ऐसे ऐसे। तो कोशिश करो ना यार, हर महीने दादू में 5 लैपटॉप जाया करे ना। कोई भी नहीं जा रहा, इतने दिन हो गए कोई लैपटॉप ही नहीं जीत रहा, तुमने भी नहीं जीता अभी तक। और ये मैं लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह जीतूंगा। और तकरीबन लोग यही पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू यार कैसे करेंगे, इंग्लिश में इंग्लिश आती नहीं, और 10 इंटरव्यू है या कैसे पता चलेगा कैसे, और सिर्फ हमारे पास मोबाइल है। तो मैंने कहा मैं उनसे जब स्काइप पे बात करूंगा तो इस मामले में पूछूंगा कि इंटरव्यू स्टूडेंट के पास कुछ चीजें नहीं है, अगर पीसी है तो वेबकैम नहीं है या पीसी ही नहीं है, तो उनको क्या करना इंटरनेट चाहिए कैफ़े में अगर जाएं, मैं। इंटरनेट कैफ़े में जाएं, 20 रुपए दें, उस दिन की चॉकलेट ना खाएं, आइसक्रीम ना खाएं, और जी, जाके उधर रिकॉर्ड कर लें। बहानेबाजी नहीं अगर करें। इंग्लिश इंग्लिश नहीं आए तो उर्दू इंग्लिश में नहीं आए करेंगे। तो फिर अंग्रेज़ी सीखें जाके, मैं क्या करूँ इंग्लिश नहीं आती तो। अंग्रेज़ से उर्दू में बात कर लें, नो प्रॉब्लम। अगर उससे उर्दू में बात कर सकते हैं तो कर लें, जी, ओके, जापनीज़ में बात कर लें, इंग्लिश में नहीं कर सकते तो सिंधी में कर लें। उनको सिंधी और उर्दू सिर्फ आती है और अंग्रेजों को सिंधी उर्दू आती नहीं है। तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी की टांग तो तोड़ सकते हैं। अच्छा, सब मार देंगे फिर तो। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और हेलो हेलो सब कर सकते हैं, हाउ आर यू हाउ आर यू सब कर सकते हैं, व्हाट इज योर नेम व्हाट इज योर नेम सब कर सकते हैं, व्हाट हाउ ओल्ड आर यू सब कर सकते हैं, वेयर डू यू लिव कर सकते हैं। इतनी इंग्लिश नहीं आती, 10 सवाल तो करने,
5 मिनट तो इसी चक्कर में निकल जाएंगे, जी, पर इंटरव्यू हो गया। उनको मैं समझाऊंगा अभी कि वो सिर्फ इंटरव्यू का नाम सुनते हैं। मैंने इंटरव्यू को नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला कि बातचीत करना है। अगर हाँ इंटरव्यू बोलता तो फिर वो कंपटीशन में नहीं आते हैं यार, इंटरव्यू कैसे करेंगे ये। मैंने देखिए, उनको सिर्फ पांच कहा कि सवाल, बातचीत अगर तुम्हें 5 सवाल तुमने सिंपल ही है ना, हेलो हेलो एक हो गया, हाउ आर यू, हाउ आई एम फाइन, व्हाट इज योर नेम, व्हाट कंट्री डू यू लिव इन, व्हाट सिटी डू यू लिव इन, डू यू हैव किड्स, हाउ मेनी किड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ योर किड्स, माई आई हैव 5 ब्रदर, आई हैव 3 सिस्टर, आई हैव फादर, माई फादर नेम, माई सिस्टर नेम, सारी अंग्रेजी तो हो गई, इतनी अंग्रेजी तो सीखनी है। पर्पस जी जी ये है मैं कि लोग जब इंटरव्यू करते हैं तो जो अंदर खौफ होता है ना, ये जैसे आप बात कर रहे हैं, अंदर से दिल धड़क 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 कर रहा है, उसको जो है काम डाउन करना है, उसको ठंडा करना है कि भाई जी जरा कोई मसला नहीं है, बात ही कर रहे हो, जिन से बात नहीं कर रहे, भूतों से बात नहीं कर रहे, इंसानों से बात कर रहे जी हैं। 10 दफ़ा बात करोगे तो अंदर की जो धड़कन है, टक 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 टक, वो आहिस्ता हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और ये पर्पस है जी बस। इंशाल्लाह मैं कहूंगा उनको जो लगे हुए हैं। नहीं, कम से कम 5 लैपटॉप महीने के जाएंगे दादू में, तो तुम देखना 6 महीने में दादू में 5-10 जिब्रान पैदा हो गए ना, तो सारे पीटी सेल वाले सर पकड़ के बैठ जाएंगे, अबे यार कहाँ फंस गए, ये तो बच्चे हमारी जान खुद पीछे पड़ गए। जी इंशाल्लाह ये अल्लाह के काम अल्लाह करेंगे, आप अपने हिस्से का काम करें, आप उनका दिमाग खाएं, सबसे पहले आप खुद जीतें। जब आप जीत जाएंगे, अपना लैपटॉप दिखाएंगे ना, बच्चों मेरे पास आ गया है, खाली मोबाइल से नहीं आ रहे ना वो। जी, मेरे अभी तक 622 फ्रेंड हुए हैं, 800 दूर है अभी। वो अभी मैं वीडियो लगाऊंगा ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे इंटरव्यू का चक्कर है ना, तुमने इंटरव्यू नहीं करे, कंजूस मालूम, बड़े आदमी तुम। मैंने कभी किए नहीं थे ना, इसलिए आउन भाई बहुत फोर्स किया था कि यार करो करो, फिर मैंने किया था कि यार कैसे करूंगा क्या बोलूंगा पता नहीं, पहली बार इसका इसलिए। तो मैंने अभी तो तुम्हें सिखाया इंटरव्यू कितना आसान है करना, जी अभी तो आसान लग रहा है। तो इंग्लिश में तो करना है, हेलो हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन आई एम फाइन, खत्म हो जी गया जी इंटरव्यू। गपशप करनी है, खौफ खत्म करना है, दैट्स ऑल। जी जी और इंशाल्लाह कुछ आपके पूछना चाह बाद रहे हैं आप, बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, लास्ट वर्ड्स? बस लास्ट वर्ड ये कि सबको खुश रखें, किसी के दिल मत दुखाएं, बस ये। हर वक्त जिब्रान की तरह मुस्कुराते रहें, जी और चश्मा और बड़ा सा ले लें, चश्मा मेरे जैसे बड़ा ले लें और अम्मी अबू की इज्जत करें, सही है। भाई क्या करते हैं बस आपके? ये। भाई एक टीचर है और एक जर्नलिस्ट है और एक पढ़ता है पढ़ता है, क्या पढ़ता है? इंटर में है उसको खराब नहीं किया तुमने? जी, उसको अब कर रहा हूँ, सही उसने तकरीबन 20-30 बना लिए, सही। इतनी यूज नहीं करता इंटरनेट वो। अच्छा ये बताओ कि अंग्रेजों में दोस्त तुम्हारे अच्छे कौन से बने अभी तक, कोई नाम याद है? अंग्रेजों में पीजी ब्रो है, पीजी इंटरप्रेन्योर जो वो, और मैं बात इससे ही करता हूँ सिर्फ बस अभी। सही है। माइक रॉस भी तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, और बहुत सारे हैं, उनसे गप लगाया करो, उनका इंटरव्यू करोगे ना तो उनके बारे में जानोगे, जब जानोगे नहीं तो फिर उनसे हेल्प कैसे मांगोगे, जी, उनसे इंशाल्लाह पूछोगे आज व्हाट डू यू से डू। शुरू करूंगा। हाँ चलो बेटा, खुश रहो और अपना, अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहो, अपनी दुनिया का नाम रोशन करते रहो, और तुम्हारी अंग्रेजी में कमजोरियाँ हैं, अपने फ़ोन के अंदर गूगल नाउ डाल लो, जाके उससे बोल के काम किया करो। और दूसरा, गूगल क्रोम में भी वॉइस का ऑप्शन है ना, जैसे मुझे स्पेलिंग में मेरी बहुत ख़राब है, तो मैं बार बार उससे जी पूछता रहता हूँ कि भाई हाउ डू यू स्पेल दिस, हाउ डू यू डू दिस, तो अभी पूछते हैं, जी व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ पाकिस्तान, बताओ अभी यार। तो वो बता ही नहीं रही, चुप करके भाग गई। हाउ डू यू स्पेल पाकिस्तान? Oops. How do you spell United States? What is the spelling of United States? बीमार है आज। आज भी बारे लगता है गूगल। सही है।
चलें, थैंक यू जिब्रान, अपना ख्याल कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी आपके सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, सेम हाफिज। अल्लाह हाफिज़।